अस्सलाम वालेकुम जी। ये तीन परिंदे आज हम आज़ाद करने लगे हैं, अगर टाइम ने इजाज़त दी तो। मगरिब होने वाली है, अंधेरे से पहले पहले हमने आज़ाद करना है। ये हमारा क्या है जी, स्टेपी ईगल है, फीमेल है और काफ़ी बड़ा है मेरे जितने भाई है तो। ओहो, और ये है ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये भी काफ़ी बड़ा है। और इन दोनों से बहुत ही बड़ा ये बादशाह है जिसको हम आज़ाद करने लगे हैं। ये जी दो जायंट किस्म के बर्ड हैं, दोनों ईगल्स हैं और दोनों मैंने एक शिकारी से लिए आज़ाद करने के लिए। इनको अक्सर लोग खरीद के ले जाते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इन बला जैसे परिंदों को रख के करते क्या, क्या मकसद है? मुझे तो इनको रखने का कोई मकसद समझ नहीं आता। इनको संभालना, इनको कैरी करना, इनको रखना, बिठाना, इनको खिलाना बहुत मुश्किल है और बहुत अजीब लगता है इन परिंदों को रखना। इनको तो ये परिंदा तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ये ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जो है। और इन दोनों को अभी हम आज़ाद करेंगे। पता कहाँ से लाए हो इनको? ये लाया था अल्लाह तो बलोचिस्तान से। तुम्हारे जितना ये परिंदा मुझे लग रहा है, खरीदते हैं। हालांकि इसको रखने का मुश्किल बता रहे, इसमें कोई मकसद नहीं है। शौक इसके लिए लोग अभी तो इतना है यार, इसमें क्या होगी? लेकिन को ये हदायत करना चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते, इनको ना रखा करें। इनको रखने का मुझे तो देखें बाजारी में कोई मकसद नहीं है, और इनका मुकद्दर आज़ादी होना चाहिए। पर्पज ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है, क्यों इनको क्या करें? आप इनकी शिकारी से लिए उसको बोला आइंदा इसको ना पड़े की बड़ी बड़ी मारते हैं, उनकी सफाई कौन करेगा? और इंसान जितनी शौक करते हैं तो सफाई भी करते हैं। इंसान जितनी ये पोटी कर रहे हैं, सही है, इतनी बड़ी बड़ी पोटियाँ कर रहे हैं, साइज देखो इस वक्त वैसे ही तो मेरे जितना तो नहीं मिल रहा है। ये स्टेपी ईगल है, स्टेपी, और ये साइज से मैं कह सकता हूँ कि ये फीमेल है। ये ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, दोनों ईगल्स हैं, उकाब जिनको हम कहते हैं। और बलोचिस्तान से जो है ना मैंने मंगवाए हैं, फतेह भाई जो है मेरे लिए स्पेशली वहाँ से शिकारी में पकड़ के रखे हुए थे, तो मैंने इनको दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, जिस तरह पहले हमने लकड़ मंगवाए थे, इस दफ़ा ये दोनों ईगल्स वहाँ ट्रैप हुई हुई थी, तो मैंने इनको बोला यार कहीं पर भी कोई इस तरह का परिंदा पड़ा कर वहाँ से ले आओ, हम इसको आज़ाद करेंगे। तो बड़ी दूर से आए हैं, अभी ये बलोचिस्तान से आए हैं। कौन सा इलाका बता रहे हो? विंदर से। आँखें लाल हैं, यानी कि कितनी दूर से सफ़र करके आए हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह अजर देगा मुझे भी और भाई साहब को भी। तो पहले हम इसकी आंखें खोलेंगे, पहले हम वज़न कर लेते हैं अंदाजे के लिए, तो इसका वज़न और इसका साइज़ कर लेते हैं। साइज़ कितना होता है इनको ना? ये क्योंकि तड़प रहा है, इसको मसला कर रहा है, इसको हम वहाँ बिठा देते हैं। और इसको पहले इसका यही भी वज़न करके, पूरा शरीर का वज़न करने के बाद मगरी से पहले पहले इसको मुड़ा देते हैं। इसको मैं लेता हूँ, ये है वैसे भाई, बहुत मजबूत ग्रिप है इसमें। इधर लेके आओ, यहाँ लेके आओ, उस तरफ से लेके आओ, सत्ताईस नीचे कर लो थोड़ा, सीधे फिलहाल नजर आ रहा है कैमरे में, आ रहा है 27 इंच का सीन है। पर पे मना पो ना, पर पे, पर पे दोम की असल इसका जो है ना पर तक होता है 24.5 है, 24.5 ठीक है। बड़ा खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खोले पहले, आंखें पकड़ोगे
समझदार बिल्कुल बिल्कुल आपके जितने हमजा जितना ही सूरज कितना था नहीं नहीं बैठा नहीं है वो आगे नदी में चला नदी की तरफ चला जाएगा ये तो ज्यादा ही बेताब हो गया ये तो भैया साइज भी निकल लगता कर देगा दफा कर बेटा कैंची उठा के दे बेटा बेटा स्प्रे भी उठा के देना स्प्रे बॉटल तो इधर पड़ा है आप ये मोबाइल दे वो वापस मोबाइल आपको मिल जाएगा स्प्रे देना बेटा पानी वाला है काटता है ये ओए बाप रे बहुत वैसी फिल्म है कौन वैसी फिल्म है पुरानी फिल्म है वाजी वाह सफाई उठा तो साइड पे जंगल में उड़ा देते तो जंगल में उड़ा देते जंगल ही है बेटा ये हमारे इधर घर के पास जंगल ही जंगल है आ रहे यार बहुत प्यारा लग रहा है उड़ते हुए ही अच्छा लगता है जबरदस्त चला गया। अगर आपको बास का शौक है आप देखना चाहते हैं कि शिकार कैसे खेलता है सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है या आपको जंगली यार्ड में दिलचस्पी है तो ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और अपने पसंदीदा वीडियोज़ को देखते रहें।